भगवान का थोड़ा प्रेम अच्छा है, रोड तो बाजू में है, तो हम लोग थोड़ा सा ऑफ रोड ले रहे हैं। आप लोग एक फ्रेम देखो, रील वगैरह कुछ भी शूट करना रहेगा ना, तो आप एक फ्रेम देखो कितना ब्यूटीफुल है, ट्रैक जा रहा है, और इसका रील मैं आप लोग को डाल दूंगा वीडियो में, कैसा लगेगा जरूर बताना। आई थिंक वी गॉट द शॉट। इतना टाइम वर्थ था। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक नई वीडियो में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। एक्चुअल में ब्लॉग अभी चालू हो रहा है, जो इससे पहले चल रहा था वो सब मस्ती चालू थी। काफी मस्त मौसम हुआ है तो मस्ती तो करना ही चाहिए। तो हम लोग वापस आ चुके हैं माथेरान में, जैसे कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि एक रेंज ट्रैक किया था हम लोग ने यहाँ पे। अरे रिक्शा वाले ने पीछे उतार दिया यार हमको। तो 150 रुपये लेके हम लोग को वादा किया था कि वो ट्रैक की तरफ छोड़ेगा, पर भाई ने हम लोग को वाटरफॉल की तरफ छोड़ दिया। चलो ठीक है, कोई नहीं, वाटरफॉल भी देख लिया, मौसम भी मस्त है। ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग जाने वाले एक छोटा सा ट्रैक करने वाले, ये ट्रैक जो बिगिनर्स है उनके लिए होगा, पेप किला, जिसको विकासगढ़ भी बोलते है। A few moments later. तो गाइस मॉर्निंग में मौसम बहुत सुहाना था, तो हम लोग आज लग रहा था कि भगवान हम लोग को आज छोड़ देगा, पर एज यूजुअल बारिश का मौसम है तो बारिश होनी है, तो काफी ज्यादा बारिश हो रही है और मजा भी आ रहा है। बारिश के बिना ट्रैक तो अधूरा है, क्या बराबर। अभी तो हम लोग पहुंचे नहीं है, बाकी आधे घंटे से चली है, रील वील सब बना दिए, फोटो वीटो भी खींच लिए, सब सब खाली ट्रैक करने का बाकी है, बस 5 मिनट में आ जाए। 5 मिनट में आ गया, चल स्टार्टिंग पॉइंट आ रहा है। तो गाइस अभी हम लोग खड़े हुए थे गणपति मंदिर, यहाँ पर बोर्ड से देख सकते हैं, यहाँ से मेन ट्रैक चालू होगा, तो ऑलमोस्ट यहाँ से आधा एक घंटा लगेगा, ज़्यादा लंबा ट्रैक नहीं है। कड़ावर्सी गणपति से हम लोग का राइट साइड में जाना है, मैं आप लोग आगे डायरेक्शन दे दूंगा, फिलहाल आप ये व्यू इंजॉय करो। और चलो हम ए फ्यू मिनट्स लेटर। आप लोग को मैंने जैसे कि दिखाया था जो रेलवे ट्रैक का जो टर्निंग था, हम लोग वहाँ से ऑलमोस्ट 10 या 15 मिनट ही हुआ, अगर ज्यादा नहीं हुआ टाइम, हम लोग वहाँ से चलते हुए आगे जा रहे हैं। मौसम बहुत मस्त है, मैं तो आप लोग को बोलूंगा मानसून में जरूर आना, और प्लस वीकडे रहेगा तो और मजा आएगा आप लोग को। वीकेंड में आप आओ ही मत, उससे आप घर पे बैठ के टीवी देख लो, आप लिए सबसे बेस्ट रहेगा यहाँ पे आने। तो वीकडेज का प्लान करना, अगर छुट्टी नहीं रहेगी तो थोड़ा एडजस्टमेंट करके आना, क्योंकि देखो नेचर में हम लोग आते हैं पीस के लिए, शांति के लिए, वो आपको वीकडेज में मिलेगा। तो आप देख सकते आगे का कितना ब्यूटीफुल व्यू है, और आप इमेजिन करो कि आप यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ चल रहे हो, तो क्या ही लेवल का मजा आएगा। आप अकेले मत आना, दोस्तों को भी साथ में लाना, बेचारों को भी देखने दो। तो अभी हम लोग आगे चलते हैं, ट्रैक से जितना हो सके उतना शूट कर रहे, मजा आ रहा है। वेदर अभी काफी फॉगी हो गया है जैसे कि आप देख सकते हैं, कैसा लग रहा है दोस्तों? इतना मजा आ रहा है, इतना मैजिकल व्यू है, आप लोग देख सकते हैं पीछे का, थोड़े टाइम के बाद आपको कुछ भी नहीं दिखाएगा, एक डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से 15 से 20 फीट तक ही दिख रहा है, उसके आगे फॉग है यार, मजा आ गया। तो दोस्तों आप लोग जैसे आगे आओगे, एक आधा घंटे का ये ट्रैक है, एक्चुअली इसको ट्रैक नहीं बोलेंगे, नॉर्मल सा वॉक है, ये ट्रेन का जो ट्रैक है उसको फॉलो करते हुए आप लोग को ये टर्निंग मिलेगा, यहाँ से आप लोग सीधा जाओगे, 5 मिनट की दूरी पे आप लोग को वो जो कट है मैं आप लोग को दिखा दूंगा, जहाँ से नीचे जाना है। तो आप लोग ये जो सामने देख रहे हो यही पे फोर्ट है, इसके ऊपर एक टेम्पल है, टेम्पल की तरफ भी जाने वाले, चलते अभी आगे। हमने अभी ट्रैक का स्टार्ट ऑफिशियली कर दिया है। तो दोस्तों आप लोग जैसे आगे आओगे आपको दो रास्ते आते हैं, तो आप गणपति की तरफ जा सकते हो, गणपति बापा ओरिया, और मेरा मानना है कि कोई भी शुभ काम करने से पहले या कोई भी काम करने से पहले गणपति जी की पूजा करना बहुत जरूरी है। जो डायरेक्शन में खड़ा हूँ राइट साइड में जो रास्ता जा रहा है वो जाता है कड़ावर्ची गणपति,
और लेफ्ट साइड में विकटगढ़ है जो पे फोर्ट है वहाँ पे जाने के लिए, वहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, आप बोर्ड भी देख सकते हो। तो दोस्तों अभी हम लोग सबसे पहले गणपति जी के तरफ जाएंगे, तो आप लोग भी साथ में चलो, आई होप आप लोग को मज़ा आ रहा होगा हम लोग के साथ। सो दोस्तों जो आप लोग ने टेम्पल देखा गणपति जी का, उसकी स्थापना ऐसी एक स्टोरी बताई, मतलब जैसे हम लोग लोकल लोग से बात कर रहे थे, उन्होंने एक स्टोरी बताई कि राजा राम खड़े करके एक इंसान थे जिनको, जो यहाँ पे रेलवे में एक्चुअली ट्रेन चलाते थे, तो काफ़ी टाइम से हमेशा यहाँ से क्रॉस करते थे और वो पत्थर पे देखते थे तो उनको गणेश जी दिखते थे। तो एक दिन ऐसा होता है कि उनके इंजन में एक चूहा चला जाता है, तो वो ऐसा बोलते कि वो चूहा यही पॉइंट पे आके जंप किया है जहाँ पे वो मूर्ति बनाई है, वही पॉइंट पे आके उन्होंने जंप किया था। तब उनके दिल में लग गया कि नहीं इसको अपने को बनाना चाहिए, तो इसका रिस्टोरेशन का काम काफ़ी टाइम चला और फाइनली वो बन के रेडी हो गया। अभी वो तो है नहीं इस दुनिया में, तो जो लोकल लोग हैं, जो यंगस्टर्स लोग हैं, वो लोग इस चीज़ को संभालते हैं और बहुत अच्छे से संभाल के रखा है। जो विकटगढ़ के ऊपर जो टेंपल है वो भी उन्होंने ही बनाया था। जब मैं 2019 में आया था तभी के रोड्स काफ़ी ख़राब थे, जो ट्रेल था काफ़ी थोड़ा डेंजरस था, और अभी इतना अच्छा काम किया है, हर जगह ब्लॉक्स डाले हुए, हर जगह पाइप्स लगाए हुए, मतलब सेफ्टी काफ़ी बढ़ चुकी है। तो आप लोग जो बिगनर है उनको मैं 100% सजेशन दूंगा कि आप लोग ये ट्रैक करना, तो ये थोड़ा पैच ट्रिकी हो सकता है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे शेवाल है, मतलब काई जमी हुई है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ट्रिकी है। और दोस्तों पे फोर्ट जितना अपने गणपति मंदिर और जो ऊपर का मेन मंदिर है उसके लिए फेमस है, और एक चीज़ के लिए फेमस है कि यहाँ पे लीचेस है। बहुत कम शहर में फोर्ट्स होते हैं जो यहाँ पे लीचेस होते हैं, यहाँ पे प्लस मंकीज भी बहुत है, तो आप लोग उस चीज़ का ख्याल रखना और साथ में कोई स्टिक वगैरह लेके आना तो आपको प्रोटेक्शन होगा उस चीज़ से। सो दोस्तों आप लोग को गढ़ का थोड़ा अवशेष दिखा देता हूँ, ये जो आपको दिख रहा है तटबंदी है, और ये जो रास्ता आप लोग को दिख रहा है, देखो ये रास्ता इसी तरह गढ़ के ऊपर जाता है, ये साइड में जो आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है ये एक मंदिर है जो पुराना शिव मंदिर है, हम लोग वहाँ पे भी जाएंगे। तो ट्रेल तो काफ़ी इजी है, जल्दी हम लोग यहाँ पे पहुँच भी गए, तो आगे का सफ़र जारी रखते हैं। तो रूट काफ़ी सिंपल है, पहले नीचे उतरना पड़ेगा, फिर वापस चढ़ा, फिर वापस नीचे, फिर वापस वही अप डाउन दो बार करना पड़ेगा। बीच में एक स्टेयरकेस आएगा, उस पर खाली थोड़ा केयरफुली उतरना पड़ेगा बारिश के टाइम, वरना वो काफ़ी ईजी है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। बीच में खाली एक रॉक वाला पैच है जहाँ वाटर फ्लो ज़्यादा है, वहाँ पे खाली ध्यान रखना पड़ेगा, मेजर रिस्की पैच वही है, बाकी सब तो परफेक्ट ट्रेल्स है, तो बिगिनर्स के लिए तो ये सबसे बेस्ट ट्रैक है। तो दोस्तों हम लोग अभी विकटगढ़ के जस्ट एंट्री के तरफ पहुँच चुके हैं, एक्चुअल में गढ़ यहाँ से स्टार्ट होता है, आप लोग को पीछे वहाँ पे बुरुज भी देख सकते हैं आप, और ये जो पैच है यहाँ से सीधा सीधा जाना है ऊपर की तरफ, तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ रही है। अरे वो क्या करता है तो आगे चलते हैं, चलो। ट्रैक के बाद ऐसा बारिश का जब टाइम आता है, ट्रैक तो हर एक सीज़न में होता है, जैसे कि आप गर्मी में ट्रैक करते हो 30 मिनट ट्रैक करते हो, जो बारिश का मजा है वो आपको दोनों सीज़न में नहीं आएगा, सिर्फ बारिश में आ मजा है। आप पीछे देख सकते हैं खूबसूरत वादियाँ है, हर जगह ग्रीनरी है, कई सारे झरने दिख रहे हैं यहाँ से, और ऐसी हवा चल रही दीवान दे यार जिंदगी में, और क्या चाहिए। तो दोस्तों आप लोग जैसे कि देख सकते हैं कि सीढ़ी वाला पैच आ चुका है, बारिश के टाइम पे डिफ़िकल्ट हो सकता है क्योंकि ऊपर से पत्थर वगैरह गिर सकते हैं, स्लिप होने के चांसेस है। तो देखो ये अच्छा हिलता है, आप इस चीज़ का ध्यान में रखना, देखो आप ये कैसे सीढ़ी हिल रही है, तो इस पर ज़्यादा प्रेशर मत देना। तो एक टाइम पे सिर्फ सीढ़ी पे एक ही जन चढ़ना, दो जन मत चढ़ना, क्योंकि सीढ़ी उतना वेट लेगी या नहीं लेगी पता नहीं, और आपको ये एक्सपीरियंस करना चाहिए, काफ़ी मज़ा आएगा। तो हम लोग जितना हो सके पॉसिबल आप लोगों को सीढ़ी प्रॉपरली दिखाएंगे। प्रतीक कैसा लग रहा है? थ्रिलिंग, एडवेंचरस, काफी डेप्थ है। सो गाइस अभी हम लोग सीढ़ी के पैच से ऊपर आ चुके हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, काफ़ी इजी पैच है, पर एक दो जगह पे सीढ़ियाँ हिल रही है, तो उस बात का आप ध्यान रखना, आपका अचानक पैर उस पे जाएगा और डिसबैलेंस हो सकता है, तो उस बात का ज़रूर ध्यान देना। तो दोस्तों आप लोग ऊपर आओगे, आप लोग को ये
एक पेड़ दिखेगा, पेड़ के जस्ट ये साइड में। काफ़ी कम लोग को पता है कि यहाँ पे एक एंशियंट शिवा टेम्पल है। दोस्तों ये मंदिर इतना मस्त है ना, तो भी यहाँ पे काफ़ी कम लोग आते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पानी की टाकी है, एक पानी की टाकी यहाँ पे है, दूसरी यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे। तो मैं आप लोग को टेम्पल दिखाता हूँ, काफ़ी ब्यूटीफुल टेम्पल है, मतलब पुराना टाइम का ही है और थोड़ा सा पेंट वगैरह करके रखा है। दोस्तों ये गढ़ का नाम क्यों विखात गढ़ है, उसका भी एक रीजन है कि यहाँ पे जो देवी आप मूर्ति देख सकते हो, ये विखात देवी का मंदिर है। ये इनके ही नाम पे ये गढ़ का नाम विखात गढ़ था, पर जब अंग्रेज लोग आए तो इनको पेप फोर्ट डिक्लेयर कर दिया, तो इसका नाम चेंज हो चुका है। ये हमारा हिस्ट्री है, हमारा इतिहास है, उसके बाद लोगों ने क्या कलाकृति करके रखी है। आप लोग को एक बात बताऊंगा, आप लोग जो ये तटबंदी है, तटबंदी के ऊपर चढ़ना मत, बहुत लोग चढ़ते हैं, क्योंकि आप चढ़ सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं चढ़ सकते, पर ये तटबंदी का हालत खराब है और बारिश का टाइम है, एक भी पत्थर नीचे गया तो तटबंदी को भी नुकसान हो सकता है और आप भी, तो इस बात का आप ध्यान रखना। दोस्तों हम लोग मंदिर के इधर नहीं जा रहे, डायरेक्ट आप लोग ऊपर देख सकते हो, मंदिर ऊपर है। जैसे हम लोग गढ़ के ऊपर आए, हम लोग ने सीधा लेफ्ट साइड का रास्ता पकड़ा और ये रास्ता मे भी सीधा जो आगे केव है वहीं पे जाता होगा। तो हम लोग का प्लान ऐसा है कि हम लोग पहले केव के इधर जाएंगे, उस जगह को एक्सप्लोर करेंगे और जो भी हमारा ये वीडियो का एंडिंग है वो हम लोग मंदिर में करेंगे। तो अभी चलते आगे, और एक हमारा नया पार्टनर भी आ गया हमारे। चल बड़े, चल आगे चल। लास्ट टाइम पे ऊपर से आए थे तो अभी बारिश भी बहुत ज़्यादा थी और ये पॉइंट पे आके हम लोग रिटर्न चले गए थे। हम लोग अभी गोवा के साइड जाएंगे केव के इधर और वहाँ पे थोड़ा शांति से बैठेंगे। आप किसी का वीडियो देखते हो उस चीज़ को फॉलो करते हुए सब चीज़ें मत करो, खुद एक्सप्लोर करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये चीज़ यहाँ पे यहाँ पे। आप इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो देखो, मैं तो बोलता हूँ मेरी भी वीडियो देखो, मैं भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ, तो इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो देखो, बाकी एक्सप्लोरेशन आप अपने पे ही करो। तो अभी हम लोग आगे जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग को मैं जैसे कि ऊपर बता रहा था कि ये आप सीढ़ियाँ देखो, ये पत्थर में काम की हुई सीढ़ी है। एक सीढ़ी बनने के लिए कई साल जाते थे, काफ़ी मेहनत करते थे पहले के लोग और उसको खड़ा करते थे, पर आज इसको कोई पूछता नहीं है, बहुत बुरा लगता है। तो दोस्तों अभी एक सीढ़ी वाला पैच है, काफ़ी मज़ेदार है, ये पुराना पैच है, एक नई सीढ़ी यहाँ पे बिठाई हुई है और एक ये पुरानी वाली सीढ़ी। तो पुरानी वाली सीढ़ी पे काफ़ी ज़्यादा थ्रिल होता है, तो चलो पुरानी वाली सीढ़ी से जाया जाए। तो गाइस हम लोग वो सीढ़ी के पास से नीचे आए तो यहाँ पे एक छोटा सा केव दिख रहा है। तो एक केव का इस्तेमाल क्या है मैं आप लोग को बताता हूँ। जब गढ़ पे हमला होता था तब जो अपने मावले रहते थे वो अंदर छुप जाते थे, वो ऊपर से पत्थर या कुछ तो झाड़ों के पे लगा देते थे और कई दिन अंदर तक छुप सकते हो, केव काफ़ी बड़ा है। तो मैं थोड़ा सा ट्राई करूँगा अंदर जाने का, आप लोग को दिखाने की कोशिश करूँगा। आप लोग देख सकते हैं पहले तो काफ़ी पानी है, पहला रिक्स तो पानी का ही है और कुछ जानवर भी हो सकता है, पर मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ, थोड़ा सा मुझे टाइम दो, मैं मेंटली प्रिपेयर होके ट्राई करता हूँ अंदर जाने का। और जो मेन केव है वो उस साइड में, हम लोग पहले इधर अंदर जाके देखेंगे और फिर मैं आप लोग को आगे दिखाऊंगा। अभी चलते हैं, थोड़ा थ्रिल किया जाए। हर हर
अंदर से आवाज आ रहा था। हाँ बहुत गंदा आवाज आ रहा था, वाइब्रेशन दे। बस जानवर अंदर कुछ रहेगा लग ही रहा मुझे जानवर अंदर, जैसा वो कान बंद होता ना वैसा आवाज आ रहा है। कुकर उसको टेंट नहीं करते। तो दोस्तों अभी हम लोग केव के इधर पहुंच चुके हैं, काफ़ी पुरानी केव है। सबसे पहले तो हमारे महाराज शिवाजी महाराज यहाँ पे हैं, उनके पैरों को नमन करेंगे। तो मैं आप लोग को केव का थोड़ा टूर करा लेता हूँ। अगर आप लोग अगर कभी प्लान कर रहे हो यहाँ पे आने का और आपको नाइट स्टे करना है तो आपके लिए केव दिखा देता हूँ आपको। देखो केव इतनी बड़ी है, यहाँ पे आराम से 50 जन यहाँ पे रहेंगे और प्लस उस साइड में भी 50 जन रह सकते हैं। प्रतीक यहाँ पे देखना एक अलग ही वाइब आ रही है कि नहीं? बहुत ही शांति, बहुत शांति। हम लोग बाहर से आए ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सो जाए, पीस एकदम एकदम पीस। तो ये सेकेंड एंट्रेंस है और यहाँ पे भी ऐसा मानते कि यहाँ पे उनके चरण स्पर्श हुए थे। केव काफ़ी सुंदर है और बहुत पॉजिटिव वाइब है, बहुत पॉजिटिव वाइब। हम लोग का तो ऐसा मन कर रहा है कि यहीं पर रह जाए, एक दिन प्लान करेंगे जरूर यहाँ पर आके, दो तीन दिन निकल जाए। तो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं जो मेन विकासगढ़ का मंदिर है, हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ के दर्शन करके ब्लॉग वहीं पे एंड कर देंगे। फिलहाल हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे बैठते हैं। सो गाइस यहाँ पे एक वाड़ा का अवशेष मिला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। जो आपको नीचे सीढ़ी वाला पैच था केव वाला, उसी रास्ते में पड़ेगा अगर आप मंदिर के इधर से आओगे तो। थोड़े बहुत अवशेष दिख रहे हैं तो अभी हम लोग मंदिर के इधर जा रहे हैं और वहाँ पे थोड़ा टाइम बैठेंगे। हाँ काफ़ी अलग ही एक्सपीरियंस हो रहा है आज। हाँ सो दोस्तों ये वाला पैच भी काफ़ी थकाने वाला था और हम लोग जस्ट मंदिर के नीचे ही है। आप लोग ऊपर आओगे, एक पानी की टंकी लगी है, एक्चुअली एंट्रेंस वहां से है। हम लोग थोड़ा आ रहा हूँ दोस्तों। ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आप लोग जैसा मंदिर देखा, आप लोग मंदिर के जब पहुँच चुके थे, आज काफ़ी एडवेंचरस ट्रैक था, काफ़ी मज़ा आया। मतलब छोटा ट्रैक है तो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रैक है, मतलब छोटा रूट को हमने बड़ा रूट कर कोई नहीं, मज़ा आ गया काफ़ी। तो अभी मैं ये वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। यह हम दोनों का इंस्टा आईडी है तो दोनों को आप फॉलो कर सकते हैं। इधर इधर किधर कोई तो कोने में आ जाएगा, आप लोग वहाँ से फॉलो कर लेना। तो मिलते हैं बहुत जल्दी सेकेंड ब्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखो। बोला भी कुछ तो अभी फुल चश्मे में एकदम प्रोफेशनल डैशिंग दिख रहा है। तो अभी हम लोग थाने स्टेशन पे, दिल्ली से ट्रेन पकड़ी थी कल रात को और यहाँ से सीधा हम लोग नेरल स्टेशन पे उतर गए। सीट भी नहीं मिली ना हमें, दो दिन से कुछ खाया नहीं है। आप लोग देख सकते हैं ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो गाइस हम लोग ने यहाँ पे एक अच्छी वाली टैक्सी, एसी टैक्सी बुक की है। वाटरफॉल पे जाने वाला है। चले ब्लॉग तेरा की मेरा है, तू कुछ बोल ही नहीं रहा है। मैं आएगा तो बोलूंगा ना साले, खुद पे फालतू कुछ भी बोलता है, खुद पे फोकस करके रखा है खुद पे। ब्लॉग आइए मेरा वीडियो है, ये फालतू में बड़बड़ कर रहा है।